हेलो फ्रेंड्स, आप करीना किचन रेसिपी में स्वागत है। आज मैं मैगी की रेसिपी लेके आई हूँ। सिर्फ मैं दो चीज़ों से मैगी बनाऊंगी, प्याज और टमाटर और हरी मिर्च। हरी मिर्च तो जानते हैं कि सब चीज़ में डाली ही जाती है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से हरी मिर्च को डाल सकते हैं। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, कम खाते हैं तो कम डालिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बनाना। एक रेसिपी आप लोग बोलेंगे मैगी बनाने किसे नहीं आता है, मुझे भी मालूम है मैगी बनाना सभी को आता है, लेकिन चलिए एक बार देख लीजिए कि मैं कैसे मैगी बनाती हूँ। इसमें आप और भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो चीज़ों से मैगी बना के आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, मैंने प्याज को काट लिया है, दो प्याज थे बड़े बड़े इसे मैंने काट लिया है, दो टमाटर थे उसे काट लिए है, दो हरी मिर्च को मैंने काटा है, देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। अब मैं तेल को गर्म कर लेती हूँ। देखिए हमारी तेल गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्याज को डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को कम डालें। अगर आपके बच्चे तीखा पसंद करते हैं मेरे बच्चे की तरह, तो आप मिर्ची को डालें, ये काफी की आवाज भी कर सकते हैं। अब हम प्याज को ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए मैंने इधर मैगी भी रख ली है और मैगी को मैंने मसाले को भी मैंने देखिए निकाल लिया है और मैगी को भी। अब हम मैगी के सारे मसाले को काट के मैं एक कटोरी में रख लेती हूँ। जब तक हमारी प्याज भून गई है तब तक मैं मसाले को काट लेती हूँ। देखिए हमारी प्याज जो है अब ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो कटी हुई टमाटर है उसको हम डाल देंगे और इसे भी हम भून लेंगे टमाटर पकने तक। इसमें अब हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, ऐसी मैगी मसाला में नमक होती है, इसमें हल्की सी नमक डालेंगे, ज्यादा नहीं। सॉफ्ट होने तक टमाटर को हम पका लेते हैं, क्योंकि हमारी टमाटर भी अब सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मैगी मसाला, ये देखिए मैगी मसाला मैंने काट के निकाल दिया था, सभी मैगी मसाला को हम डाल देंगे इस तरह से। इसे हमें ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मैं इसे भून के इसमें मैं पानी डालूंगी। बस इतने ही हमें भूनना है। अब हम पानी डाल देते हैं। मैं 6 पैकेट मैगी बना रही हूँ, इसलिए मैं 6 ग्लास पानी डालूंगी। मैंने अभी 1 गिलास पानी डाला है। अब पानी में मैं बॉयल आने देती हूँ। जब पानी में बॉयल आ जाएगी तब मैं इसमें मैगी डालूंगी। देखिए हमारे मसाले में पानी में बॉयल आ चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपने मैगी को डाल देंगे। इस तरह से आप तोड़ के भी डाल सकते हैं, मैं लंबे लंबे ही डालना पसंद करती हूँ इस तरह से। और हम इसको मिला लेंगे।
देखिए अब हम मैगी को करीब 5 मिनट तक इसी तरह पका लेंगे। अगर आपको को पानी वाली मैगी पसंद है तो आप इसमें पानी भी रख सकते हैं, आपको और सूखी पसंद है तो आप इसे पूरी सूखी भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है मैगी की, तो मैं थोड़ा हल्का ग्रेवी ही रखना पसंद करती हूँ। देखिए मेरी मैगी बनके तैयार है, मैंने हल्की ग्रेवी रखी है, मुझे ऐसी ही पसंद है, मेरे बच्चों को भी ऐसी ही पसंद है। अब मैं आपको एक प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। अगर आपको मेरी मसाला मैगी की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करें मेरी रेसिपी को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा तो नए नए रेसिपी देखने के लिए आपको सबसे पहले बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे सबसे पहले आपको मेरी मैंने कोई भी रेसिपी डाली हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि रीना किचन रेसिपी से ये वाले चीज़ को मैंने अपलोड किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।